प्रभात सिंह से आज पुनः आपके गांव में आया हुआ हूं, जहां पर हमारे किसान भाई ने हमारी कंपनी की एक सरसों की वैरायटी लगाई है जो आप देख रहे हो। तो मैं अपने किसान बंधु को दिखाना चाहता हूं प्रभात सीड्स की जो ये शंकर सरसों है नवाब 90B02, वो किसान के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं जिन्होंने ये हॉल लगाया है। भाई साहब आपका शुभ नाम? रमेश चंद। आपका गांव का क्या नाम पड़ा? गांव ग्राम नरेना। आपकी तहसील कहाँ पड़ती है? कायमगंज। जिला? फर्रुखाबाद। सर मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो ये सरसों लगाई हुई है इसका नाम क्या है? ये नवाब सरसों। ये नवाब सरसों है प्रभात सिंह। प्रभात प्रजापति। तो सर आपने ये कितना बीघा लगाई है? ये एक एकड़ में लगाई। एक एकड़ में लगाई है? एक एकड़ से ज्यादा है। एक एकड़ में आपने लगाई है और आपके गांव में बहुत सारे लोगों ने सरसों लगाई होगी। बहुत और आप भी देख रहे होंगे आपके गांव में कई लोगों ने क्या लगभग सारे लोगों ने सरसों लगाई है। हाँ बीघा दो बीघा एक एकड़ से कम बहुत जिसकी जितनी मतलब खेती है उसके हिसाब से लोगों ने अपना अपना जो है वो सरसों लगवाई हुई है। अब आप बताइए साहब कि आपको ये प्रभात सीड्स की नवाब सरसों कैसी लग रही है? हमारे गांव में क्या अपने ब्लॉक की तो नहीं कह सकते कि गांव के अंदर जो हमारी जो सरसों है इसके मुकाबले कोई सरसों नहीं है। आपके गांव में इसके मुकाबले कोई सरसों नहीं? कोई सरसों। भाई साहब आप लोगों ने भी सरसों लगाई है लेकिन ये भाई साहब बोल रहे हैं कि हमारे गांव भर में सबसे अच्छी सरसों है, क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? क्या आपके गांव में वास्तव में इससे अच्छी सरसों नहीं है? बहुत बढ़िया सरसों है। बहुत बढ़िया है सर। क्या खासियत लगती है आप इसको आप बताइएगा, इसके क्या खासियत लग रही है आपको? खासियत का अच्छी है सबसे सरसों। मोटी खड़ी है? मोटी सही है। देखो ये भाई साहब कहने चाहते हैं आप देखिए, एक तो पेड़ की हाइट देखिए कि पेड़ की हाइट इसकी पूरी है लगभग 5 से 5.5 फीट की पूरी हाइट है। पूरी हाइट है। तो जब सरसों की हाइट अच्छी होगी हमारी तो उसकी जो ये पैदावार ये फलियाँ होंगी मोटी है, ये मोटी भी है और लंबी भी। लंबी भी अगर लंबी होंगी तो उसमें कोशियाँ भी ज्यादा आएंगी तो इससे इसका उत्पादन भी ज्यादा आएगा, है ना? तो यही इसकी एक खासियत है। देखिए कि बहुत मोटी कोशियाँ हैं इसकी और बोल्ड कोशियाँ हैं इसकी, तो इसलिए इसका उत्पादन भी अच्छा रहेगा। आपका क्या अनुमान रहता है, मतलब क्या अनुमान लग रहा है भाई साहब कि प्रति बीघा कितना ये लगभग आपका कट जाएगा? इसको खेत को देखते हुए खेत को आप इधर को थोड़ा सा दिखाइए, पूरा का पूरा खेत जो है एक तो एक समान खेत है, पूरा एक तार खेत है, कहीं पर ऐसा नहीं छोटा होगा बड़ा होगा, पूरा एक तार ये खेत है। और इसको देखकर आपको क्या लगता है कि प्रति बीघा आपका कितना उत्पादन आ जाएगा? तीन क्विंटल से कम नहीं होगा प्रति बीघा के साथ।